दोस्तों, अगर आपने भी एक न्यू न्यू चैनल स्टार्ट किया है और अगर आप भी बनाना चाहते हैं कुछ इस तरह का, जो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ सब्सक्राइब एमिनेटेड वीडियो, जो आपका चैनल का लोगो आए, उसके बाद चैनल का नाम आए, उसके बाद अपने चैनल को जो सब्सक्राइब एमिनेटेड वीडियो आए कुछ इस तरह का, जैसे कि आपने देख लिया। अगर आप भी चाहते हैं कुछ इसी तरह का वीडियो को एडिट करना, मतलब बनाना चाहते हैं, तो वीडियो में बने रहे एंड तक, क्योंकि मैं इसी वीडियो में आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करके आपको सिखाने वाला हूँ और बताने भी वाला हूँ। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट के साथ साथ नॉलेजेबल भी होने वाली है, तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो को नहीं किया लाइक तो प्लीज लाइक कर दें, चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह का सब्सक्राइब एमिनेटेड वीडियो जिस तरह से आपने देख लिया, तो कुछ इस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो आपको काइन मास्टर ऐप को डाउनलोड कर लेना पड़ेगा, जो कि आपको प्ले स्टोर में इजीली से मिल जाएगा। उसके बाद मेरे वीडियो पे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वीडियो लिंक, जिससे ग्रीन स्क्रीन वीडियो, तो उसको भी आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। जो मैं आपको एमिनेटेड वीडियो बताने वाला हूँ, उसमें आपको ना ही कॉपीराइट भी मिलेगा, ना कि कुछ स्ट्राइक मिलेगा। मैं आपको फ्री कॉपीराइट, जो कि नॉन कॉपीराइट वीडियो आपको देने वाला हूँ, जिससे आपको डाउनलोड कर लेना मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद आपको मैं ले चलता हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, जैसे आप काइनमास्टर डाउनलोड कर लिए होंगे, तो काइनमास्टर डाउनलोड होने के बाद मैं चलता हूँ आपको मोबाइल की स्क्रीन पे और आपको यहाँ पर सब चीज बताता हूँ किस तरह से कैसे, मतलब आपको एमिनेटेड सब्सक्राइब एमिनेटेड वीडियो को बनाना है। तो चलते हैं मैं मोबाइल की स्क्रीन पे। दोस्तों, सबसे पहले तो देख सकते हैं मैं मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया। मोबाइल की स्क्रीन पे आने के बाद आपको इजीली से काइन मास्टर ऐप को ओपन कर लेनी है। उसके बाद आपको न्यू प्रोजेक्ट कुछ इस तरह से मिलेगा, उस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद सोलो इंटू जो कि 9:9 देख सकते हैं यहाँ पर, 16:9, इसमें आपको क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से आपका जो कि फ़ोन कुछ इस तरह से रोटेट होने लगेगा। रोटेट होने के बाद आपको क्या करना, मीडिया पे आना, जो वीडियो का मतलब लिंक दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन में, उस वीडियो को डाउनलोड करके आपको ऐड करना है। ऐड करने कहाँ से करेंगे, मीडिया पे आपको जिस भी फोल्डर में आप डाउनलोड किए उसमें कर लेना। तो मैं डाउनलोड फोल्डर में डाउनलोड किया हूं, तो मैं इजीली से यहां पर मैं ऐड कर लेता हूं। तो यहां पर देख सकते हैं मैं इजीली से ऐड कर लिया उस वीडियो को। वीडियो को ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह से आना है। उसके बाद आपने चैनल का जो लोगो है उसको ऐड करना है। ऐड करने कहाँ से करना है, तो लेयर का ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, मीडिया में क्लिक करना है, अपने जो लोगो है उसको क्लिक कर लेना। तो मैं यहाँ पर देख सकते हैं अपने लोगो को क्लिक करने के बाद आपको क्रॉपिंग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, क्रॉपिंग पे क्लिक करना है। उसको मार्क्स यहाँ पर लिखा है उसको वो कर देना है, एनेबल एनेबल कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको देख सकते हैं सेव का ऑप्शन मिला, सेव पे क्लिक करना है। सर्कल का ऑप्शन पे आपको डायरेक्टली क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको थोड़ा एडजस्ट कर लेना है कुछ इसी तरह से, कुछ यहाँ से आपको देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपको एडजस्टमेंट है, यहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा इस तरह से देख सकते हैं। जैसे हम लोग का पूरा एकदम प्रोफाइल पिक्चर, मतलब जो यूट्यूब का लोगो एकदम अच्छा खासा से आ जाए, तो आपको उसी तरह से एडजस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एडजस्ट पूरी तरह से कर लेता हूँ, यहाँ पर देख सकते हैं मैं एडजस्ट यहाँ पर से कर लेता हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से एडजस्ट करने के बाद आपको चले आना कुछ इस तरह से बैक, चले आना बैक करने के बाद इसको आपको वो जो प्रोफाइल पिक्चर को आपको थोड़ा से मतलब छोटा कर लेना है, जिस तरह से आपको एडजस्ट करना है आपको एडजस्ट कर लेना पड़ेगा। कुछ इस तरह से एडजस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, प्रोफाइल पिक्चर को एकदम लास्ट तक आना, जिस समय वीडियो का ड्यूरेशन होगा उस तक आपको लेकर चले आना है। उसके बाद आपको लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करके कर लेना है और आपको टेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है, अपने चैनल का नेम आपको लिख देना है। तो मैं यहाँ पर अपने चैनल का नेम यहाँ पर जिस तरह लिख सकते हैं, कुछ जैसे अपने चैनल का नेम जो कि मैं लिख दें। उसके बाद आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है, बहुत सारे आपको फॉन्ट मिलेगा, तो उस फॉन्ट को आपको सिलेक्ट करना है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरह से रोबोट बोर्ड यहाँ पर, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप भी इजीली से सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि आपको फ्री मिल जाता है। कुछ इस तरह से देख सकते हैं आपको सिलेक्ट कर लेना है, अपने हिसाब से आपको सिलेक्ट जो कि यहाँ से आपको कर लेना है। जितना तक अपने चैनल का नेम रख सकते हैं यहाँ से आपको रख सकते हैं, कुछ इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं मैं यहाँ पर जैसे बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं उसको छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से घसीट के, कुछ इस तरह से आपको ओके पर क्लिक कर देता हूँ। कुछ दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप अपने हिसाब से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है कुछ इसी तरह से। उसके बाद एडजस्ट होने के बाद आपको क्या करना है, सब्सक्राइब जो बटन है उसको आपको मतलब क्लिक करना है यहाँ से आपको, और इसको आपको कुछ भी छेड़खानी जो कि नहीं करना है। अपने फोटो पे आपको क्लिक करना है, अपने जैसे से इस तरह से फोटो पे क्लिक करना है, फोटो पे इस तरह से क्लिक कर लेना है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं फोटो पे आपको कुछ भी आपको यहाँ पर क्लिक करके अपने हिसाब से आप जो भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं अपने हिसाब से जो फिल्टर विल्टर कुछ भी लगा सकते हैं, इजीली से आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने जो नेम है तो इसको भी ड्यूरेशन लास्ट तक चले आना। लास्ट तक आने के बाद कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, सब्सक्राइब एमिनेटेड वीडियो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। उसके फ्रंट पे क्लिक करके आप बहुत सारे यहाँ पर इजीली से फॉन्ट को लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ रोबोट मीडियम कुछ इस तरह से फॉन्ट है, उसको भी मैं देख सकता हूँ ऐड कर दें, वो जिसको आपको मतलब अपने हिसाब से बहुत अच्छा लगेगा उसको अपने हिसाब से
डिज़ाइन वगैरह करके आप इजीली कर सकते हैं। उसके बाद आपको वीडियो को सेव करने के लिए कुछ इस तरह से एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है, उस पर क्लिक करके आप इजीली से बहुत ही HD क्वालिटी में आपको एक्सपोर्ट जो कि कर लेना है। कुछ यहाँ पर सेव एज वीडियो पर मैं क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर जैसे मैं कुछ इस तरह से सेविंग ऑप्शन मुझे मिल गया, यहाँ पर वीडियो जो कि सेव हो गया। अगर और आपको वीडियो पर किस तरह से उसको लगाना है, चले मैं आपको ये भी आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले तो मुझे यहाँ से बैक चले आना है। बैक करने के बाद आपको जो कि न्यू पर्स, पहले आपको काइनमास्टर को कुछ इस तरह से ओपन कर लेना है। पहले आपको ओपन करने के बाद जो मतलब कर लेना है, और न्यू प्रोजेक्ट का क्लिक करके आपने सेलो मतलब इस तरह से करके आप अपने वीडियो को ऐड कर लेना है। तो जो वीडियो में आप लगाना चाहते हैं कुछ इस तरह का जो एनिमेशन वीडियो को, उसको आपको पहले ऐड कर लेना है जो वीडियो को लगाना चाहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो में आपको मैं यहाँ पर से ले लिया, जिस पे इस वीडियो में आपको सब्सक्राइब एमिनेशन वीडियो में लगाने वाला। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके बाद लेयर पे क्लिक करना है, मीडिया में आपको क्लिक करके जो फोल्डर में आप सेव किए होंगे काइन मास्टर वाला में वीडियो को, उसको सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करके क्रोमा की ऑप्शन को करने करके इनेबल जो कि कर देना है। इनेबल जिस तरह से करेंगे कुछ इस तरह से आपको देख सकते हैं ग्रीन वीडियो जो कि हट चुका है, और कुछ इस तरह से आपने सब्सक्राइब बटन देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से देखने को मिल रहा है। तो कुछ इस तरह से करके आप अपने वीडियो पर सब्सक्राइब एमिनेशन वीडियो लगा के अपने जो वीडियो को सेव कर सकते हैं इजीली से। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आप लोगों को जो सब्सक्राइब एमिनेशन वीडियो मतलब आपको बताना चाहता था किस तरह से आपको करना है, किस तरह से आपको सब्सक्राइब एमिनेशन वीडियो को बनाना है, तो मैंने इस वीडियो में आपको सारी चीज़ आपको बता दिया कैसे नहीं करना है और क्या करना है, सब चीज़ इसी वीडियो में आपको बता दिया। तो दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से जो आपको मैं समझाना चाहता या सिखाना चाहता था अगर आपको समझ में या सीखने को मिल गए, तो इस वीडियो को अभी तक भी नहीं किया लाइक तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो छोटे भाई समझ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मिलते हैं किसी और टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद एंड वंदे मातरम।